गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ क्लास चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गाइस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू हमारे को देते थे, हम उसको पुट करने का डिस्कशन कर रहे थे। ओके, सो सेम एज टूडे, आज भी यही है आपका। लुक एट सम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3, पेज नंबर 242 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो सम नंबर 8 पार्ट 1 इज दैट If z is equal to 10, z क्या है आपका 10 कहता है, j अगर आपका z 10 है, find the value of this expression, इस expression की value find out करनी है। What was our expression? z cube minus 3 z minus 10. So name it as expression 1. This one is your expression 1. So just we have to put the value of variable in this given expression. So put z is equal to 10 in expression 1. So, z की जगह हमने 10 put करना है. तो, first is 10 की power 3 minus 3, z की जगह 10 minus 10. Okay? So, solve करना इसको simply. इसको first ऐसे ही रहने दो एक बारी. इसको solve कर लो. 3, 10 minus 10 is 0. And as you know, 0 into something is 0. So 10 की पावर 3 माइनस 0. सो यहां स्टेप लिखते हैं, 10 की पावर 3 रह गया, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो इजी, आपको पता है जितनी पावर उतनी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर देना। गाइस, ये ब्रैकेट लगी होती है, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। क्लियर? सो मैंने यहां लगा भी दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 10 into 10, 10 tens are 100, ब्रैकेट क्लोज, इंटू में 10, 100 इंटू 10 1000. सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन जेड इज इक्वल टू 10. जब जेड की वैल्यू 10 थी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई आपकी 1000. क्लियर गाइज? नाउ लुक एट योर सेकेंड पार्ट। इफ पी इज इक्वल टू माइनस 10, पी की वैल्यू कितनी है माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 100. दिस वन इज योर एक्सप्रेशन, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल। सो एक्सप्रेशन को नोट करो, पी स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 100, नेम इट एज एक्सप्रेशन 1. ओके, सो नाउ सेम एज बिफोर, हमने जैसे पहले किया है, पुट पी इज इक्वल टू माइनस 10 इन एक्सप्रेशन 1. एक्सप्रेशन 1 में हमने कितना पुट कर देना है, पी को माइनस 10. सो पुट करो, पी स्क्वेयर है तो माइनस 10 की पावर 2 माइनस 2 इंटू में माइनस 10, पी की जगह माइनस 10 था ना, माइनस 100. और गाइज, ये चीज आपको मैंने पहले भी बताया कि माइनस 10 की पावर 2 है। एक आपको बताया था कि जब आपका नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव रहता है। कैसे इसको कैसे सोल्व करोगे, माइनस 10 इंटू में माइनस 10, 10 टेन्स आर 100 और माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 10 की पावर 2 क्या आ जाएगा आपका 100। यहां ध्यान दो, अब 2 इंटू में 10 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, और यहां माइनस 100 एज इट इज, ये प्लस 100 ये माइनस 100 कैंसल, बिकॉज 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 0, सो रिमेनिंग इज प्लस 20. सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन पी इज इक्वल टू माइनस 10. ये वैल्यू निकली इस एक्सप्रेशन की जब पी की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस 10 थी। गाइज, नाउ लुक एट योर सम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. वट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, कहता ए की क्या वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है जब एक्स 0 है, आपने ए की वैल्यू निकालनी है। एक चीज समझो पहले, यहां लेट इट बी आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3 प्लस ए, ओके, 2x माइनस 3 प्लस ए, आपको यहां पे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू दे रखी है 0 और a की वैल्यू दे रखी है 5,
ओके सो आप क्या करते हो इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देते हो, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, ये 2 × 0 इज का प्लस माइनस 5 सॉरी प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 साइन लार्जर डिजिट का। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आई, इसका मतलब पता क्या हुआ 2x माइनस 3 प्लस a इज इक्वल टू 2 कब, जब x 0 था और a आपका 5 था। ओके बस यहां पे सेम है, आपको बस यहां पे a नहीं बता रखा, ये दो चीजें बताई हुई हैं आपको, इनसे सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। लुक एट हियर नाउ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 5, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यही था ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है जब x की वैल्यू 0 है, मींस कि x की वैल्यू जब पुट करेंगे तब भी आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 0, ओके 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। गाइस ध्यान रखना है कि हमारे को a की वैल्यू चाहिए, a कितना है क्वेश्चन मार्क। ओके सो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, 0 का स्क्वायर मींस 0 × 0, 0 × 0 इज 0, 2 × 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, समथिंग इज टू 0, 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 0, 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, a की। सो a की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये माइनस साइन आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 5, मींस कि व्हेन वेरिएबल a इज इक्वल टू माइनस 5 x इज इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। मेन मोटिव इज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, a वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी कितनी आ गई a इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर, नाउ गाइज लुक एट सम नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3, दिस वन इज योर एक्सप्रेशन। ओके कहता है इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि सॉल्व कर दो, जब कब, जब आपकी a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। ओके सो दिस वन इज योर एक्सप्रेशन 1, नेम इट एज एक्सप्रेशन 1, नाउ पुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3। ओके a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3, एक्सप्रेशन 1 में पुट करना है, पुट कर दो, देखो 2 यहां पे a स्क्वायर है मींस 5 का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज, ये मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं लार्जर वन सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, प्लस 3 माइनस a की वैल्यू अगेन 5 और b की वैल्यू माइनस 3, क्लियर, नाउ सॉल्व इट, 2 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 × 5 मींस 25, तो 5 की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 25, प्लस 5 × 3 = 15 प्लस माइनस माइनस, सो यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 ये भी 5 × 3 = 15 और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 15, क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां ध्यान दो, 2 ब्रैकेट 25 एज इट इज सेम, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 15 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का 3 एज इट इज सेम, माइनस माइनस प्लस, नाउ ब्रैकेट्स को रिमूव करो। ओके ब्रैकेट्स को रिमूव करो, कैसे होंगे 2 इसको एज इट इज छोड़ो, 25 माइनस 15 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 प्लस 15। ओके नाउ 2 × 10 = 20 प्लस 3 प्लस 15,
अब इनको प्लस कर दो, 20 प्लस 3 23 प्लस 15 38। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू इज 38 व्हेन ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू -3। ओके गाइज, गाइज योर होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट अ वर्कशीट विच आई विल सेंड यू इन योर होमवर्क पीडीएफ। आपको आपके जो होमवर्क पीडीएफ होगी उसमें एक वर्कशीट मिलेगी, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, आपको उसको सॉल्व करना है।